गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सेंचुरी इंटरनेशनल स्कूल की वर्चुअल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो बेटा, हमने फर्स्ट चैप्टर कर लिया था आवर बॉडी, और सेकंड चैप्टर भी हमने कर लिया था। इसकी आज एक्सरसाइज करेंगे। जिन बच्चों ने अभी तक कोई भी क्लासेस नहीं लगाई साइंस की, और वो चाहे किसी भी सब्जेक्ट की हो, तो वो सेंचुरी इंटरनेशनल स्कूल के यूट्यूब चैनल पर जा सकते हैं। वहाँ पर आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी, जितनी भी सभी टीचर्स के द्वारा जितनी भी आज तक क्लासेस लगाई हैं, वहाँ वो सारी की सारी क्लासेस आपको सेंचुरी इंटरनेशनल स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएंगी। ओके बेटा, जो उन बच्चे नई एडमिशन करवा रहे हैं, न्यू एडमिशन है, उन बच्चों के लिए मैं बोल रहा हूँ। ओके बेटा, और आज हम करेंगे एक्सरसाइज। जो फर्स्ट चैप्टर हमने ये कंप्लीट कर लिया था, ये रीड आउट कर लिया था, तो कई बच्चों ने एक्सरसाइज कर ली है। जिन बच्चों ने नहीं ली, उसको मैं आज करवाने जा रहा हूँ। ओके बेटा, तो जहाँ पर फर्स्ट जहाँ पर फिलअप्स दे रखी हैं आपको, हमको नीचे उसकी ऑप्शंस भी दे रखी हैं। हमने बताना है ए आंसर है इसका, बी और सी आएगा। ओके बेटा, वी ऑल नीड डैश व्हेन वी फील हंगरी, तो इसका क्या आंसर आएगा, फूड। ओके बेटा, जब हमें हमें भूख लगती है, तो हम क्या खाते हैं, फूड खाते हैं, तो इसका क्या आंसर आएगा, फूड। ये आपने यहाँ पर फिल कर लेना। ओके बेटा, जहाँ पर आप इसको फिल कर लोगे। ओके बेटा, The part of the radish we eat is its dash. तो जो हम रेडिश पार्ट खाते हैं, वो प्लांट का कौन सा पार्ट होता है, कौन सा पार्ट होता है, वो रूट्स होती हैं। तो क्या आएगा इसका आंसर, रूट। यहाँ पर आप फिल कर लेना, रूट। ओके, फूड गिव अस डैश टू वर्क एंड प्ले, तो फूड हमें क्या देता है, वह बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। तो क्या देता है हमें, फूड से हमें क्या मिलती है, एनर्जी। तो यहाँ पर आप इसको फिल कर लेना, एनर्जी आएगा आपका जहां पर। ओके बेटा, थर्ड, वीट इज अ डैश, वीट क्या है, एक ग्रेन है, तो यहाँ पर क्या आएगा, ग्रेन। यहाँ पर आप इसको फिल कर लेना। ओके बेटा, आ गया फिल इन द ब्लैंक्स, कैरेट इज द डैश ऑफ द प्लांट, जो कैरेट है वो प्लांट का कौन सा पार्ट होता है, तो कौन सा पार्ट होता है, रूट। यहाँ पर क्या आएगा, रूट। ओके, ऑयल ऑयल्स यूज टू फॉर्म ऑयल यूज्ड फॉर कुकिंग आर कॉल्ड डैश ऑयल, जो ऑयल्स हम यूज करते हैं कुकिंग के लिए, खाना बनाने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, एडिबल ऑयल्स। एडिबल ऑयल्स आएगा, ये इसका स्पेलिंग, ये आप ले लेना, एडिबल ऑयल्स। एडिबल आप फिल करना, ऑयल्स आगे दे रखा है। ओके बेटा, वी गेट मिल्क फ्रॉम डैश, मिल्क हमें किससे मिलता, कौन से एनिमल से मिलता है, तो मिल्क हमें किनसे मिलता था, बफेलो से, काउ से और गॉड से। आप कोई भी, आपको जो स्पेलिंग जो लिखने में आपको आसानी हो, आप लिख सकते हो, चाहे काउ, बफेलो और गॉड, कोई भी आप इन तीनों से आप लिख सकते हो। ओके बेटा, आगे है, डैश डैश इज यूज्ड फॉर मेकिंग चपातीज एंड ब्रेड, किसको हम चपाती, घर में रोटी वगैरह ब्रेड वगैरह किसकी बनाते हैं, तो किसकी बनाते हैं हम, वीट की। यहाँ पर क्या आंसर आएगा, वीट। ओके बेटा, वीट फिल कर लेना, जहां पर वीट इज यूज्ड फॉर मेकिंग चपातीस एंड ब्रेड। मैं आपको बता देता हूँ, स्पेलिंग मिस्टेक मत करना बेटा, वीट की स्पेलिंग, हाँ वीट की स्पेलिंग है जी, हाँ वीट जी है, वीट की स्पेलिंग। ओके बेटा, स्पेलिंग मिस्टेक मत करना बेटा, वीट आएगा इसका आंसर। आगे है, नेम एनी नेम दी फॉलोइंग, आप जहां पर स्पाइसेस, फोर हमने स्पाइसेस के नाम लिखने हैं और फोर फ्रूट के नाम लिखने हैं। ओके बेटा, फोर थ्री आपको स्पाइसेस दे रखे हैं, जहाँ पर स्पाइसेस हम मसाले वगैरह को बोल देते हैं। ओके बेटा, तो क्लोव्स एक ये दे रखा, पेपर हम ब्लैक पेपर होता है जो काली मिर्ची वगैरह को बोलते हैं, क्लोव्स होता बेटा लौंग को बोल देते हैं, ये लौंग है, ये पेपर काली मिर्ची को बोल देते हैं, और ये है चिलीस, जो हरी मिर्ची होती है उसको हम चिलीस बोल देते हैं, रेड चिलीस भी होती है, जो लाल मिर्ची होती है उसको हम रेड चिलीस बोल देते हैं। तो आप यहाँ पर फिल कर देना, तीन आपको दे रखे है, क्लोव्स तो पेपर एंड चिलीस, तीन आपको दे रखे हैं, और फोर्थ आप एक जहाँ पर चाहे आप रेड चिलीस भी लिख सकते हो, और चाहे आप टर्मरिक भी लिख सकते हो। टर्मरिक के स्पेलिंग है, मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ, टर्मरिक के स्पेलिंग है, थोड़ा लिखने में टाइम लगेगा। TURMERIC
ओके बेटा, ये टर्मरिक की स्पेलिंग है हल्दी, हल्दी जिसको बोल देते हैं। ओके बेटा, ये टर्मरिक की स्पेलिंग है, तीन आप जहां से उठाकर लिख देना, आप चाहे और भी कोई भी लिख सकते हो जो आपको अच्छे लगते हैं, क्लोव्स पेपर एंड चिलीज, तो एक है टर्मरिक, हल्दी इसको बोलते हैं, TURMERIC, टर्मरिक। ओके बेटा, ये लिख देना। फ्रूट आप कोई भी उठाकर लिख देना, आपको तो आते ही है, फोर आप फ्रूट के नाम लिख देना जहां पर। ओके बेटा, और जहां पर आपने फोर क्या फिल कर देने स्पाइसेस की। ओके, यहाँ पर नीचे दे रखी है मैच दी कॉलम करना है हमने। रेडिश क्या है, रेडिश क्या होती है, रूट्स होती है, प्लांट की क्या होती है, रूट्स जी आएगा। गिंजर क्या आएगा, अंडरग्राउंड स्टेम होती है, इसका आएगा ए। पाइनएप्पल क्या है, एक फ्रूट है, फ्रूट आएगा इसका। मस्टर्ड क्या है, सरसों को बोल देते हैं कि बेटा मस्टर्ड, तो ये क्या ऑयल आएगा इसका। पेपर क्या होती है, एक स्पाइसेस मसाला वगैरह होते हैं जो अभी हमने किया है, ब्लैक पेपर होती है, काली मिर्ची को बोल देते हैं। ओके बेटा, तो ये भी आपका हो गया। आ गया ट्रू फॉल्स, फूड इज एसेंशियली फॉर आवर ग्रोथ, जो फूड है वो हमारी ग्रोथ के लिए एसेंशियली है। फूड के साथ अगर फूड खाएंगे तो तभी हमारी बॉडी की क्या होगी, ग्रोथ होगी। ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। ओके बेटा, जहां पर मैं टी, आपने कंप्लीटली हिल लेना ट्रू, मैं जहां पर टी डाल देता हूँ। ओके बेटा, हाँ इसका आएगा टी आएगा। ओके, बीट इज द स्टेम ऑफ द प्लांट, बीट इज द स्टेम ऑफ द प्लांट, बीट स्टेम नहीं होती, ये क्या होती है, रूट होती है, रूट ऑफ द प्लांट। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो यहाँ पर क्या आएगा, एफ आएगा, एफ। आप कंप्लीट लिख लेना, फॉल्स लिख लेना आप। ओके बेटा, जी एफ आएगा जहां पर। स्पाइसेस मेक आवर फूड टेस्टी, हाँ जो मसाले वगैरह होते हैं जो हम फूड में क्यों डालते हैं, फूड को टेस्टी बनाने के लिए। ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, ट्रू स्टेटमेंट है, वेरी गुड। आगे है, वी ऑब्टेन ऑयल फ्रॉम द ग्राउंड नट, ठीक है, जो ग्राउंड नट से हमें क्या मिलता है, ऑयल मिलता है, तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। इसका भी मैं टी डाल देता हूँ यहाँ पर। फ्रूट आर नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ, हाँ जो वो बोल रहे हैं, फ्रूट्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी के लिए अच्छे नहीं होते, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल रॉन्ग है। जो फ्रूट है वो हमारी बॉडी के लिए अच्छे होते हैं, गुड होते हैं, गुड फॉर आवर हेल्थ, तो इसका जी इसका क्या आएगा, फिर एफ आएगा। ओके बेटा, हाँ जी, आप लिख लेना कंप्लीट स्पेलिंग, लिख लेना जहां पर मैंने एफ डाला, जहां पर फॉल्स लिख लेना, जहां पर मैंने टी डाला वहां पर ट्रू लिख लेना। ओके बेटा, और आगे है, फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज द फूड ओवर बेसिक नीड, जो फूड है वो हमारी बेसिक नीड क्यों है, मींस फूड हमें क्यों खाना चाहिए। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही क्वेश्चन करवाया था, इसका आंसर है यहाँ पर दे रखा है, जहां से आप लिख सकते हो, जहां से लेकर यहां तक इसका आंसर आएगा। तो फूड इज द बेसिक नीड बिकॉज इट गिव अस एनर्जी, जो फूड हमें क्या देता है, एनर्जी। इट एसेंशियली फॉर आवर ग्रोथ, जो हमारी बॉडी की ग्रोथ होती है वो किसके किसके साथ होती है, हमारे फूड के। अब जब हम फूड खाते हैं तो तभी हमारी बॉडी की क्या होगी, ग्रोथ होगी। इट हेल्प अस टू कीप हेल्थी, जो हम फूड है जो हमारी बॉडी को क्या रखता है, हेल्थी रखता है, एंड फाइट अगेंस्ट डिजीज। ये आंसर है बेटा फर्स्ट का। ओके बेटा, ये आंसर आएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपका ये क्वेश्चन, मैंने आपको पहले भी बताया था, ये आपका आंसर आएगा सरेगा सारा। आप इसको नंबर डालकर लिख देना, चाहे नीचे 1, 2 और 3, ऊपर जहां से, ये सारे का सारा लिख देना। ओके बेटा, ये आपका फर्स्ट का आंसर है। ओके, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ये आपको तो आना चाहिए ना सभी को। अगर फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ही नहीं आया तो फिर चैप्टर को पढ़ने का नहीं कोई फायदा है, तो इससे अच्छा है भी हम ना ही पढ़े। आगे सेकेंड है, नेम दी टू एनिमल्स विच गिव अस, जो हमने दो दो एनिमल्स बताने हैं, दो एनिमल्स ऐसे बताएंगे जो हमें क्या देते हैं, मिल्क देते हैं, दो दो ऐसे बताएंगे जो हमें फ्लैश देते हैं, और दो ऐसे बताएंगे जो एग्स देते हैं। फ्लैश का क्या मतलब है, जहां पर मीट है। ओके बेटा, तो दो एनिमल्स हमने कौन से बताने हैं, जो हमें क्या देते हैं, मिल्क देते हैं, तो वो आप जहां से कोई भी उठाकर लिख सकते हो, काउ एंड गोट, वी गेट मिल्क फ्रॉम काउ एंड गोट, काउ एंड गॉड से हमें क्या मिलता है, जहां से आप कोई भी उठाकर लिख सकते हो, वी गेट मिल्क फ्रॉम बफेलो और काउ, बफेलो एंड काउ, चाहे आप तीनों से कोई भी लिख सकते हो आप, जैसे मैं दो लिखने जा रहा हूँ, वी गेट मिल्क फ्रॉम काउ एंड गॉड, ये स्पेलिंग इजी है थोड़े, आप ये कर लेना, काउ एंड गॉड। ओके बेटा,
एंड इसका एक एक आंसर ये है फ्लैश और एग्स, जो मीट और जो एग्स है एग वगैरह है वो किससे मिलते हैं हमें, तो वो हम लिख सकते हैं, आप जहाँ से लिख सकते हो हैं हैंस एंड डक गिव अस मी एग्स एंड मीट। ओके बेटा, एग्स एंड फ्लैश आप लिख सकते हो यहाँ पर। मैं फिर से कंप्लीट आंसर आपको बता देता हूँ इसका, आपने आंसर कैसे लिखना है। आंसर आप ऐसे लिखोगे, वी गेट मिल्क फ्रॉम काउ एंड गॉड। ओके बेटा, ओके स्टार्टिंग से फिर से मैं आपको बता देता हूँ, फर्स्ट लाइन क्या आएगी, वी गेट मिल्क फ्रॉम काउ एंड गॉड। ओके एंड आगे आप क्या लिखोगे, एंड फ्लैश एंड एग्स, एंड आगे आप लिखोगे फ्लैश एंड एग्स फ्रॉम हैंस एंड डक, हैंस एंड डक से हमें क्या मिलता है, एग्स एंड मीट मिलते हैं। कोई बात नहीं, इसका मैं आपकी फोटोग्राफ्स वगैरह सेंड कर दूंगा, जिन बच्चों को आंसर नहीं पता चल रहा तो वो मैं आपको वो इसकी जो रिटर्न में आपको दे दूंगा इसका आंसर। ओके, जिन जो बच्चे ऐसे भी लिख सकते हैं वो ऐसे लिखने की कोशिश करें, तभी मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे। ओके आगे है, वाई डू नीड स्पाइसिस एंड नेम एनी थ्री स्पाइसिस। वो कहते हैं वो हम मसाले वगैरह फूड में क्यों डालते हैं, हमें क्यों जरूरत होती है, कहीं तीन के नाम ना बता दे दिए, तो इसका क्या आंसर आएगा, हम क्यों डालते हैं मसाले वगैरह क्यों डालते हैं, वी ईड स्पाइसेस इन फूड टू मेक इट टेस्टी। हम फूड को टेस्टी बनाने के लिए जो स्पाइसेस वगैरह होते हैं, मसाले वगैरह होते हैं, फूड में डालते हैं। ओके बेटा, तीन के नाम आप जहाँ पर दे रखे हैं, फर्स्ट है जी, सेकंड और चिलीज वगैरह, थर्ड है जी, आप लिख सकते हो यहाँ पर। ओके बेटा आगे है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, वाई इज मिल्क अ कंप्लीट फूड है, जो कंप्लीट मिल्क कंप्लीट फूड क्यों है, क्यों है बेटा कंप्लीट फूड, बिकॉज इट कंटेन ऑल न्यूट्रिएंट्स विच रिक्वायर्ड आवर बॉडी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके बेटा, जहां पर इसका आंसर दे रखा है, जहां से जहां पर आंसर दे रखा, आपने ऐसे नहीं चेप देना इसको जैसे मैं बोल रहा हूँ, बिकॉज इट कंटेन ऑल न्यूट्रिएंट्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर आवर बॉडी। तो मिल्क को हम कंप्लीट फूड क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें सभी के सभी वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी को चाहिए। ओके बेटा, इनमें से फर्स्ट और जो फोर्थ क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट एंड फोर्थ, इसका तो आंसर आपको पता होना चाहिए, कभी भी भूलना नहीं चाहिए आपको, फर्स्ट एंड फोर्थ जो बिल्कुल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा ये क्वेश्चंस हैं। ओके बेटा, जो जो फोर्थ का आंसर क्या आएगा, मैं फिर से बोल रहा हूँ, बिकॉज इट कंटेन ऑल न्यूट्रिएंट्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर आवर बॉडी। इसमें वो सभी के सभी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी को चाहिए। ओके बेटा, क्वेश्चन में वो क्या पूछ रहे हैं, व्हाई मिल्क इज अ कंप्लीट फूड, क्यों कंप्लीट फूड है, क्योंकि इसमें वो सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी को चाहिए, तो इसलिए वो सारे के इसलिए जो मिल्क है वो अपने आप में क्या एक कंप्लीट फूड है। ओके बेटा, और ये एक्टिविटी है जी, आप ब्रेकफास्ट और लंच और डिनर में क्या खाते पीते हो जी, आप खुद कर सकते हो जी, आपके लिए यहाँ पर आपका जो चैप्टर है जहाँ जहाँ तक है कंप्लीट हो गया। ओके बेटा, और इस आगे हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, तो जिन बच्चों ने अभी तक जो मुझे आज एक दो बच्चों ने सिर्फ किसी एक दो बच्चों ने इसकी फोटोग्राफ सेंड की है, तो सारे बच्चे रिस्पॉन्स दीजिए, और किसी बच्चों ने कई बहुत कम बच्चे हैं जो काम मिलता है उसकी फोटोग्राफ्स सेंड करते हैं, तो आज मैंने करवा दिया इसकी, आप सभी के सभी बच्चे फोटोग्राफ्स ग्रुप में सेंड कर देना, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके बेटा, थैंक यू सो मच।